नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। संविधान दिवस के मौके पर नई दिल्ली में सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया। संसद भवन में सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति और पीएम ने शिरकत की। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर था, सभी संविधान का निर्माण हो पाया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समस्या है। विधानसभा पर आयोजित कार्यक्रम से कांग्रेस समेत दर्जन भर से अधिक राजनीतिक दलों ने किनारा कर लिया। देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। इनमें शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, राजद, आईयू, एमएल और डीएमके शामिल हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज एक साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लिया है, लेकिन अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बॉर्डर पर किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो चुका है। इस दौरान सिंगू, टिकरी और कुंडरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। दिल्ली की सीमा पर बड़ी तादाद में किसानों के जमावड़े को देखते हुए कई जगह सुरक्षा इंतजाम किए गए। राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले एक साल में किसानों ने कुछ नहीं खोया है, बल्कि एकजुटता पाई है। ये सब हमने एक साल में सीखा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सभी उत्पाद साधे दाम पर बिक रहे हैं, हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए। टिकरी बॉर्डर के पास सेक्टर 13/17 एकड़ क्षेत्र में किसान महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत को लेकर पंजाब से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। किसान संगठनों ने एक साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान पहले ही कर दिया था। हरियाणा पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन में आज होने वाली महापंचायत में दूर दराज क्षेत्र से किसानों का आना लगातार जारी है। महापंचायत में 35 से 40 हजार किसानों की भीड़ आने का अनुमान। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में दिखा भाईचारा, एकता की मिसाल बना मुस्लिम सिख समुदाय। सिख मुस्लिम समाज मलेरकोटला पंजाब का संगठन पिछले एक साल से किसानों के लिए काम कर रहा है। आंदोलन खत्म होने पर ही खत्म होगा लंगर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुक लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल जीतेंगे कोरोना का रन किताब का विमोचन किया गया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के उप कुलपति मार्केडिया आहूजा ने किताब लिखी है। किताब में कोरोना काल पर चर्चा की गई। रेवाड़ी के बावल में आज सीएम मनोहर लाल की विकास रैली हुई है। सीएम ने 50 करोड़ की लागत से तैयार हुए नवनिर्मित आरओबी और महिला हॉस्टल का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने 300 करोड़ की अन्य छोटी बड़ी परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री के आवास पर ही मुलाकात होगी। इस दौरान प्रदेश सरकार से जुड़े अहम मुद्दों और किसान आंदोलन के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी। चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा परिवहन विभाग सेवा नियम के एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। कैबिनेट की बैठक में 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र तय करने पर भी मुहर लगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिनों का रहेगा। गोलाचिका में शिकायतों का निरावरण करने में कुरुक्षेत्र नंबर 1 पर रहा है। 10 लोकसभा क्षेत्र में कुरुक्षेत्र को पहला स्थान मिला। सीएम विंडो पोर्टल में कई नए बदलाव किए गए। लगभग 96% शिकायतों का समय पर निपटारण हुआ है और हर सदस्य की भूमिका निर्धारित की गई। सुवाना के गढ़ी बाजीपुर गांव में अवैध रूप से निजी कंपनी के बनाए गए पावर हाउस का मामला सीएम दरबार में पहुंच गया है, जिसके बाद डीसी ने मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंपी।
किसान और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद किसानों से जरूरी दस्तावेज लेकर उनकी जताई जा रही आपत्ति पर जांच शुरू की। कागजों में यहां से 18 किलोमीटर दूर कादरपुर गांव में पावर हाउस बनाने की मंजूरी मिली है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी जमीन बेकार होगी। यमुनानगर में रेनबसेरे अभी तक खुले नहीं हैं, लोगों खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। जिला प्रशासन का कहना है कि 1 दिसंबर से रेनबसेरे खोले जाएंगे। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव का कहना है कि 1 दिसंबर से यमुनानगर में 4 रेनबसेरे खोले जाएंगे। रेनबसेरे में मास्क सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे और अगर कोई जरूरत होगी तो उसे भी पूरा किया जाएगा। पर्यावरण के चलते बंद पड़े स्कूलों को खोलने के बाद स्कूल संगठनों ने सरकार का आभार जताया। बंद पड़े स्कूलों के चलते बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा था। वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से बंद स्कूलों को खोलने के बाद अब प्रदेश भर के तमाम शिक्षक संस्थान एकजुट होकर सरकार के इस फैसले की सराहना की। स्कूल प्रबंधन संगठनों का कहना है कि सरकार बंद पड़े इन स्कूलों को खोलना एक बेहतर कदम है। हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन की तरफ से सरकार से ये मांग की गई थी। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते सरकारी और प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिए थे, जिन्हें शिक्षा निदेशालय के आदेश पर खोला गया। बल्लभगढ़ में एक हफ्ते के बाद स्कूल खोलने के पहले दिन क्लास में छात्राएं कम संख्या में पहुंची है। साथ ही स्कूल में छात्राओं के 8वीं के बोर्ड एग्जाम के फॉर्म्स भी भरे गए। अंबाला शहर के पुराने सिविल अस्पताल में स्कैन मशीन इंस्टॉल की गई है। मशीन के आने से आंखों का अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा और मशीन की मदद से ऑपरेशन में आसानी होगी। मशीन के ए स्कैन के जरिए सही लेंस के बारे में पता चलता है और बी स्कैन के जरिए आंखों का अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा। पंचकुला से 15 नवंबर को शुरू हुए हरियाणा महिला पुलिस की साइकिल यात्रा झज्जर रोहतक मार्ग पर पहुंची है। टोल प्लाजा के पास जिला पुलिस की महिला अधिकारियों ने साइकिल यात्रा का स्वागत किया। महिला पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को उनके अधिकारियों के प्रति जागरूक करना है। साइकिल यात्रा 15 नवंबर को पंचकुला से शुरू हुई थी और हरियाणा का दौरा किए जाने के बाद 25 दिनों के बाद पंचकुला में जाकर ही समाप्त होगी। रियल स्टेट जगत में 91 इंटरनेशनल कंपनी ने लॉन्च की वेबसाइट। हेरारा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल ने 51intel.com वेबसाइट लॉन्च की। 51intel.com वेबसाइट के माध्यम से प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या का होगा समाधान। वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे खरीद और बेच सकेंगे प्रॉपर्टी। रियल स्टेट जगत के लोगों का इंतजार खत्म हुआ। 51 इंटरनेशनल कंपनी की वेबसाइट लॉन्च की गई है। गुरुग्राम प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां भी हासिल कर सकेंगे। कुरुक्षेत्र के राजपूत धर्मशाला में सदस्यता को लेकर चल रहा विवाद पूरा गरमा चुका है। विधायक सुभाष सुधा के खिलाफ नारेबाजी की गई। कुरुक्षेत्र के पेवा उपमंडल में 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन हुए इंडिविजुअल टाइम ट्रायल का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पहले दिन 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़कों के 15 किलोमीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में राजस्थान के महावीर शर्मा ने प्रथम, राजस्थान के सीताराम ने द्वितीय और कर्नाटक के वीरप्पा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंबाला में शादी समारोह में शामिल होने के बाद 2 संदिग्ध मरीज पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से चूक रही को अपील की। स्वास्थ्य विभाग इन दिनों हर घर दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहा है, जिसमें रोजाना 7,000 लोगों को टारगेट दिया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 9,283 केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 1,11,000 के पार है। 10,900 से भी ज्यादा मरीज रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 4,972 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 317 संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या 53,000 के पार है।
दिल्ली में कोरोना के 27 नए केस सामने आए, एक्टिव केस 200 के पार हैं, 28 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के 17 मरीज सामने आए, 15 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 135। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 115 करोड़ 80 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है, 76 करोड़ 22 लाख से ज्यादा पहली डोज और 39 करोड़ 58 लाख से ज्यादा दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। स्वच्छता सर्वेक्षण के रिजल्ट ने करनाल नगर निगम की सफाई व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। सर्वेक्षण में नगर निगम 70वें नंबर से लुढ़क कर 86वें नंबर पर पहुंच गया है। नगर निगम कचरा कनेक्शन, कूड़ा प्रबंधन, प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन और सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई और प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंध में फिसद्दी साबित हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में करनाल को 1800 अंकों में से सिर्फ 500 अंक मिले। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लोगों ने कहा है कि सड़कों पर जब तक पुरानी गाड़ियां या फिर हैवी व्हीकल नहीं रोक लगा देते, जब तक प्रदूषण का इजाफा होता रहेगा। जहाल चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर लगते ट्रक यूनियन के सामने को सड़क सुरक्षा निगमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए, जिसकी जानकारी देते हुए टोहाना ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सुखदेव सिंह ने बताया है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के पूरे स्टाफ के सहयोग से जाखल चंडीगढ़ रोड पर नाकाबंदी कर अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वही जाखल थाना प्रभारी विक्रम जोशन, दूसरी तरफ मौसम बदलाव के चलते कोहरा अधिक हो गया है, जिससे सामने आ रहे वाहन का पता नहीं चल रहा है, इसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। पानीपत में सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, आरोप है कि ठेकेदार की दबंगई के चलते 14 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में मरीजों की देखभाल की है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते उनकी अनदेखी की जा रही है। फतेहाबाद के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया रतिया पहुंचे और थाने का निरीक्षण किए। एसपी ने कहा कि दिल्ली राजस्थान पंजाब के रास्ते रतिया में नशा तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा कि पंजाब सीमा के साथ लगते रास्तों पर विशेष नाकाबंदी कर अभियान चलाया जाएगा। एसपी ने कहा है कि नशे के जुड़े जितने भी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। एसपी ने कहा है कि जाम की समस्या से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसके अलावा पुलिस की तैनाती की जाएगी और हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करनाल में डायल 112 पर फर्जी शिकायत मिलने की वजह से पुलिस की दिक्कतें बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पुलिस का काफी समय बर्बाद हो रहा है। डायल 112 पर पारिवारिक और झूठी शिकायतें मिल रही, बता दें कि 15% शिकायतें नकली मिलती हैं। रोहतक के खोखराकोट इलाके में हलवाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 27 वर्षीय संदीप के परिजनों ने फाइनेंसरों पर आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार राजेंद्र नाम का गारंटर शाम को संदीप को अपने साथ ले गया था और भूम अखाड़े के नजदीक कमरे में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कंज्यूमर ग्रीवियंस रिटेलर्स फॉर्म के तत्वाधान कस्बे के 33 KV कार्यालय पर खुला दरबार का आयोजन किया गया। खुला दरबार में करीब 13 शिकायतें आई हैं, जिनका मौके पर ही निरावरण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं के सहूलियत के लिए कंज्यूमर ग्रीवियंस रिटेलर्स फॉर्म के समक्ष शिकायतें सुनी जाएगी और मौके पर ही उनका निपटारा किया जाएगा। नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मानी गई मांगों का सरकार से पत्र जारी करने की मांग की। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में चोरों का हौसला बुलंद है। चोरों ने हरसुसरू के मकान में ताला तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। महेंद्रगढ़ जिले के अकोदा गांव में दहेज मांगने को लेकर विवाद हुआ है। वधुपक्ष की शिकायत पर अकोदा गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। वधुपक्ष की शिकायत पर लड़के वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। वधुपक्ष ने 20 नवंबर को लगन पूजन समेत निभाए सभी रीति रिवाज, लेकिन दहेज न मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा वर पक्ष। जजर के गोरिया गांव में एक नवविवाहिता की शादी के 3 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। नवविवाहिता का शव घर की छत पर मिला।
नवविवाहिता के गले और शरीर पर चोट के निशान है, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। फरीदाबाद में मुस्ताक मर्डर केस में डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुस्ताक नामक व्यक्ति और उसके साथी पर 10 नवंबर को गोली मारकर मुस्ताक की हत्या करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुस्ताक मर्डर केस के मुख्य आरोपी विनोद और अन्ना को डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने अन्ना को अनंगपुर से गिरफ्तार किया है, विनोद को बागतपुर यूपी से गिरफ्तार किया। गोहाना में तेज रफ्तार ट्रक ने दो किसानों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। नोएडा में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने आए आरएसएस प्रमुख भागवत ने फिर उठाया बंटवारे का मुद्दा, बोले विभाजन रद्द करके ही मिटेगा दर्द। मोहन भागवत ने कहा है कि विभाजन कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है बल्कि ये अस्तित्व का प्रश्न है। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार है इसीलिए किया गया है ताकि खून की नदियां ना बहे, लेकिन उसके उलट तब से अब तक कहीं ना कहीं खून बह चुका है। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोविड 19 का नया वेरिएंट B11529 तेजी से बढ़ रहा है। NICD ने बताया है कि इस नए वेरिएंट से दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने NGSSA के सदस्य सरकारी प्रयोगशालाओं और निजी प्रयोगशालाओं को तत्काल जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी। दिल्ली NCR की आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है, AQI लेवल 400 तक पहुंचा। राजधानी मुंबई में 28 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की आज 13वीं वर्षी है। इस हमले में 160 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले की बरसी पर कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मुंबई 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26/11 की बरसी पर तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि कभी नहीं भूलेंगे। जम्मू कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम साबित हुई है, सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। बांग्लादेश में चटवांग से 175 किलोमीटर पूर्व भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई।